तो आज ट्रिग्नोमेट्री का नया लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या है, लेक्चर नंबर 5 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले का डेरिवेशन कराया था। उनमें से ये भी एक 4 फार्मूला था, 2 साइन ए कास बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कास ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कास ए कास बी इज इक्वल टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, और फाइनली 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये 4 फार्मूला, और भी इसके अलावा भी कुछ फार्मूला डिराइव कराए गए थे, लेकिन जो आज हम कंसंट्रेट करेंगे, जो भी क्वेश्चन लेंगे वो इन्हीं 4 फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, तो आज आपको अगर ये 4 फार्मूला याद है तो आज के सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो हमने पहले ही कहा, अगर आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे या जो क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए जाएंगे, आप निश्चित रूप से कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है, इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए भी देंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है, 2 साइन 5 ए इंटू कास ए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको यह देखना होगा कि किस सूत्र पर आधारित है, कौन सा फार्मूला इसमें लगने वाला है। साइन, देखिए अगर आप ध्यान दें तो 4 फार्मूले में पहले वाले में साइन पहले है, कास बाद में, और इसमें कास पहले है साइन बाद में, और इसमें दोनों कास है, इसमें दोनों साइन है। तो अगर दोनों कास रहेंगे या दोनों साइन रहेंगे तब तो थर्ड या फोर्थ लगेगा, लेकिन एक साइन है एक कास है तो फर्स्ट और सेकेंड के बारे में ही सोचना है। अब कब फर्स्ट होगा, जब पहले साइन हो बाद में कास, और अगर पहले कास हो बाद में साइन हो तो उसको सेकेंड मानेंगे। लेकिन इसको कोई ऐसे भी कह सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दे, 2 कास ए इंटू साइन 5 ए, साइन 5 ए तो पहले कास हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं ना, मैथमेटिक्स में इसकी इजाजत है कि नहीं, परमिशन है। साइन 5 ए इंटू कास ए को कास ए इंटू साइन 5 ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो अगर इसको हमने इस तरह से लिख दिया तो फार्मूला 2 हो जाएगा फार्मूला 1 से, तो फिर अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं इस फार्मूला को, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चाहे ऐसे करेंगे तो फार्मूला नंबर 1 लगेगा, और अगर क्वेश्चन को ऐसे ले लेंगे तो फार्मूला नंबर 2 लगेगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इसको लेने से थोड़ा सा आपका काम आसान होगा। पहले जो कोण आता है उसको बड़ा रखने दीजिएगा तो बाद वाले को छोटा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। पहला जो आता है, जैसे यहाँ 5 ए बड़ा है कि ए बड़ा है, ये तो सबको पता है कि 5 ए इज ग्रेटर देन ए, 5 ए का मान ए से बड़ा होगा, तो ये बड़ा वाले को पहले रखते हैं और छोटा वाले को बाद में। ऐसा क्यों, ये कंपल्सरी नहीं है, एकदम निश्चित रूप से करना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसको करने से ये फायदा होता है कि हमको ए में से बी को घटाना होता है तो बड़ा में से छोटा घटाना आसान होता है, और छोटा में से बड़ा घटाना असंभव थोड़े होता है, वो भी घटा सकते हैं लेकिन वो ऋण में आएगा और इसमें ऋण का झंझट नहीं रहेगा। तो आप ऐसे करने के लिए दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि बड़ा कोण को पहले लिखिएगा छोटा कोण को बाद में। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए इस तरीके से भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ये नहीं कि उससे कोई गलती हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ध्यान नहीं भी रखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन को कर देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। आप बात समझ गए होंगे, हम कर रहे हैं क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं करना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 के 2 1, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए के जगह पे क्या है 5 ए, और बी के जगह पे क्या है ए, तो साइन ए प्लस बी
प्लस ए कितना होता है? 6a प्लस साइन ए माइनस बी। एक लाइन का क्वेश्चन है, a माइनस बी यानी 5a माइनस ए कितना होगा? 4a। दिस इज द आंसर, इसका आंसर यही है। सेकेंड क्वेश्चन, 2 cos 4a इंटू cos 3a, कौन सा फार्मूला लगेगा? आपके सामने फार्मूला है, और फार्मूला अगर याद होता है, हमने पहले ही कहा था ट्रिग्नोमेट्री में जिसको फार्मूला याद हो गया उसको अच्छा कमांड पकड़ उस पर मिल जाता है। तो ये तीसरा फार्मूला लगने जा रहा है, क्या होगा? ए की जगह पे क्या है? 4a, और बी की जगह पे क्या है? 3a। क्या होगा? cos a प्लस बी, तो 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 7a प्लस cos a माइनस बी, 4a माइनस 3a, ए आंसर। अब ब्रैकेट लगाइए या नहीं लगाइए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ है, एक ही कोण है, तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन 3a इंटू साइन, एक एक लाइन का क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला याद है तो बस आप ध्यान दीजिएगा कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ये ना दोनों साइन है तो फोर्थ वाला लगेगा, दोनों कास है तो थर्ड वाला, पहला साइन दूसरा कास फर्स्ट, पहला कास दूसरा साइन सेकेंड। बहुत आसान होता है, जहां दो तीन क्वेश्चन होता है आप पकड़ लेंगे कि फार्मूला कौन सा होगा, और एक बार फार्मूला पकड़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया। कास ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है? 3a, और बी की जगह पे, आपको यह जरूरी नहीं कि अंडरलाइन करते जाएं, लेकिन समझने के लिए कर दे रहे हैं। तो a में से b घटाएंगे, 3a में से a गया, 3a माइनस a कितना होगा? 2a, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, 3a माइनस a लिख नहीं रहे हैं, 3a माइनस a कितना हो जाएगा? 2a। कि ऐसे लिख के करें आप जैसे कहिए, 3a माइनस a, अब माइनस कास a प्लस बी यानी 3a प्लस a, एक लाइन और लिख दीजिए शुरुआत है तो, और 3a माइनस a कितना हो जाएगा? 2a, और 3a प्लस a 4a। बहुत आसान होता है, चाहे तो आप दो लाइन में भी कर सकते हैं शुरुआत में, आगे चल के तो सीधे एक लाइन में ही करेंगे, हालांकि हमने इसको एक लाइन में ही कर दिया, इसको भी एक लाइन में, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी है, अब पाई के पदों में है कोण, लेकिन ध्यान दीजिएगा साइन 5a अपान 12 इंटू साइन पाई अपान 12। अब पीछे जो तीनों क्वेश्चन लिए थे उसमें 2 था, लेकिन इसमें 2 नहीं है, आंख बंद करके फार्मूला नहीं लगाएंगे, चौथा फार्मूला लगने वाला है, दोनों साइन है तो, लेकिन यहां 2 नहीं है। अब 2 नहीं है तो क्या करेंगे? बैठ के रोइए कि अब तो 2 नहीं है, क्वेश्चन कैसे लगेगा? नहीं, मैथ में रोते नहीं है, 2 नहीं है तो 2 लिख दीजिए। ये कैसी दादागिरी भाई, 2 लिख दिया कैसे? अब 2 लिख दिया, ये पाई है तो 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, इसकी कोई इसकी इजाजत है? मैथ में दादागिरी नहीं चलती, ये नहीं कि 2 नहीं तो लिख दिया, हाँ लिख करके डिवाइड कर दीजिए। अब आप कहेंगे क्यों, जब डिवाइड ही करना था तो मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि हमको 2 की जरूरत थी फार्मूले में, तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, यानी अब इसको क्या लिख देंगे हम लोग? हाफ इंटू 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12। इक्वल टू हाफ। अब देखिए कमाल, अब क्या कमाल होगा? कौन सा फार्मूला लगेगा? फोर्थ वाला लग जाएगा ना, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है? कास ए माइनस बी, माइनस कास ए प्लस बी। ट्वेल्व है, बस हो गया,
अब इसको ज़बरदस्ती तीन चार लाइन का किया है, था तो एक ही लाइन का, लेकिन शुरुआत में है आप लोग। 12 एलसीएम हो जाएगा तो 5 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, कास 4 पाई बाई 12 माइनस कास 5 पाई प्लस पाई 6 पाई बाई 12। एलसीएम लेकर के आता है ना जोड़ने, ना दोनों 12 है तो जुड़ जाएगा ना। चलिए ये चार कट भी रहा, ओ अब इसका मान भी निकल जाएगा, यही था। इसको आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि एक लाइन नीचे लिख दें, समझ जाएंगे। 1/2 कास पाई बाई 3 यानी कि कास 60 अंश, आप जानते हैं ना अभी रेडियन डिग्री पढ़े, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है आप लोग को, तो कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और यहाँ पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का वैल्यू 0 यानी हो गया 1/4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कास 5π/12 इंटू कास पाई बाई 12, फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब ऐसे ही डायरेक्ट कर दे रहे, एक लाइन और कम होगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ फार्मूले में 2 रहता है और इसमें 2 था नहीं क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैथ में इसकी इजाज़त है। अब 2 कास ए कास बी कौन सा फार्मूला है, 1 की 2 की 3 की 4, गेस कर लिया आपने, गेस नहीं बल्कि आप पॉज करिए और खुद से लगा जाइए, हमसे पहले लगा करके और उसके बाद जब हम लगा रहे हैं तो आप उसको चेक करिए कि आपने सही लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, पॉज करके लगाइए। चलिए लगा लिए होंगे आप लोग। अब देखिए कौन सा फार्मूला, कास ए प्लस बी यानी ऐड कर दिया जाए, प्लस कास ए माइनस बी हाफ, फिर 12 जो होगा एलसीएम हो जाएगा, पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 6π/12 प्लस कास यहाँ 4π/12। चलिए 6 × 2 = 12 और इधर 4 × 3 = 12 हाफ, कास पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, कास पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री और उसका वैल्यू कितना होता है, हाफ, यानी इसका भी आंसर आया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लग सकता है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आप कितना भी धीरे लगाओगे स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 5π/12 इंटू कास पाई बाई 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, अभी आपके लिए होमवर्क हो गया, कर लेंगे ना, कौन सा फार्मूला लगेगा बस इतना बता दीजिए, आपको बता दें कि आप वो भी पकड़ लिए, फार्मूला नंबर 1 ना, क्योंकि दोनों साइन होता है तो चौथा, दोनों कास होता है तो तीसरा, और अगर साइन कास है तो पहला दूसरा में ही रहेगा, बस देखना होता पहले साइन है कि कास है, पहले साइन है तो ये लग गया। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग, कर लिया, ये होमवर्क हो गया। फिर क्वेश्चन है, कास 315 डिग्री इंटू कास 75 डिग्री, फिर कौन सा फार्मूला लगने जा रहा है, फार्मूला नंबर 3 लगेगा, लेकिन बस 2 की कमी है, तो 2 की कमी के लिए हमने बताया ना कि आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मैथ में इसकी इजाजत होती है, जहां आपको 2 की जरूरत लगे और क्वेश्चन में नहीं हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, मैथ उसका परमिशन आपको देता है। अब 2 का से कास भी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी यानी 315 में 75 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 390 डिग्री, डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, और कॉस ए माइनस बी यानी 315 में से 75 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 240 डिग्री, 240 डिग्री।
अब ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 में जो पार्ट ए बी सी है उसको अगर आप देखे होंगे तो आप जितने कोण है सबका मान निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। अभी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है, आप आराम से उठाइए लेक्चर 1 से लेक्चर 6-7 तक बैठ के देख लीजिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपकी मजबूत कैरियर में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन पूरा पूरा वीडियो देखिए। कुछ बच्चे इस भ्रम में देखते हैं ना कि हमको आ रहा है और बहुत सारे काम की चीजें छूट जाती है। कास 390 यानी 360 से ज्यादा है तो 360 इसमें से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा कास 30 डिग्री। इसको क्या लिख दें, वैसे तो मान आपको पता है सब, लेकिन फिर भी हमने एक तरह से निकाल दिया। चलिए जाके देख लीजिएगा लेक्चर 3 का पार्ट ए बी सी का 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और इसको क्या लिख देंगे, साइन कॉस 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। थर्ड किसका घर होता है, टेन कॉट का, कास का तो होता नहीं, तो निगेटिव हो जाएगा। और 180 से कोई चेंज होता नहीं, बताए थे ना 180 या 360 से कोई चेंज नहीं होता, कास कास में रहता है, साइन साइन में रहता है, टेन टेन में रहता है। तो बस इसको 1/2 इसका वैल्यू लिख दें, 1/2 √3/2 -1/2। अभी 2 निकाल लेंगे बाहर तो 4 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं आप भी बगल में लिखिएगा चाहे नीचे, लेकिन हम यहां लिख दे रहे हैं √3 -1। 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। आप समझ रहे होंगे इतना तो लिखने का तरीका आप लोग ढंग से लिखिएगा, हम तो क्वेश्चन को बस समझाते हैं। अब इसके नीचे जगह नहीं तो हमने यहां लिख दिया, आप ऐसे थोड़े लिख सकते हो कॉपी पे एग्जाम में, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। हो गया, अब क्वेश्चन ले रहे हैं, अब लेने दे आपको दे रहे क्वेश्चन घर के लिए, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, एक फिर 2 का, यह है 2 sin 3a × cos, फिर है यहां लिखा हुआ क्वेश्चन उसी को लिख देना अगर आपको दिखा रहा है, 2 cos 3a × sin 2a, पता नहीं वहां दिख रहा होगा कि नहीं, 2 sin 4a × sin 3a, 2 cos 7a × cos, ये सब होमवर्क है, आप घर पे करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे बता दिया जाएगा। लेकिन कितना भी कमजोर लड़का है अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो 100% गारंटी है लगा लेगा, एकदम तय है लगाना। वो तो जो बच्चे एकदम डरे होते हैं वो नहीं लगा पाते। ये देखिए क्वेश्चन है, कास 37 अंश × cos 7.5 अंश, इसको एक कर दे रहे हो, फिर उसके बाद फिर आपको दे देंगे, 37.5 है तो 2 हो जाएगा, 37 होल नंबर 1/2 डिग्री, और यहां 7 होल नंबर 1/2 डिग्री। अब यहां फिर 2 नहीं है, ये 4 क्वेश्चन तो आपको होमवर्क है घर के लिए है, ठीक है ना, आप नोट कर लेंगे, उधर भी है, अगर कोई क्वेश्चन लिखने में चेंज हो गया तो भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी कुछ भी लिख लीजिए। अब यहां क्या करेंगे, 2 तो नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे लीजिए 2 कर दिया, फिर 1/2 कर दिया, रोने धोने की जरूरत नहीं है कि 2 नहीं है क्या करें, बहानेबाजी नहीं, डायरेक्ट कर दें, कौन सा फार्मूला लगेगा, आप लोग तो अब तक सीख गए होंगे, फार्मूला नंबर 3 ना, cos a + b जोड़ेंगे, ये जानते हैं कितना होगा जोड़ेंगे तो 45 डिग्री। अब हम ये मान के चल रहे हैं आपको जोड़ घटाना आ रहा, cos a + b + cos a - b घटाएंगे 37.5 में से 7.5 तो 30 डिग्री बचेगा, हो गया काम खत्म। 1/2 cos 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, आंसर हो गया। अब बहुत करेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काम हो गया, ठीक ना। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a + b
प्लस का सी माइनस बी, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 45, ये हो गया घटा दिया 30 अंश, ठीक है। कास 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 और कास 30 अंश का मान 3/2 हो गया ना। अब कुछ क्वेश्चन और होमवर्क के लिए इस तरह इसी पर आधारित दे रहे हैं, आप घर पे करेंगे और निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। वो क्या है पता नहीं दिख रहा होगा कि पेन से, कास 52 होल नंबर 1/2 डिग्री इंटू साइन 7 होल नंबर 1/2 डिग्री, कास 52 अंश इंटू साइन 7.5 अंश और ये भी साइन ही है, फिर साइन 7 होल नंबर 1/2 डिग्री इंटू कास 37 होल नंबर 1/2 डिग्री, ठीक है। इसको करते रहे, क्यों कर दे रहे हैं देखिए, कौन बड़ा इसमें 37.5 की 7.5, जैसे आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं फॉर्मूला 1 भी फॉर्मूला 2 भी, इसको दोनों तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा वाले को पहले कर देंगे तो आसान हो जाएगा। हमने बताया ना कि कोण जो बड़ा होता है उसको पहले कर दीजिए, अगर ये क्वेश्चन है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इससे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई गलती नहीं है, बड़ा कोण पहले लिख देने से आसान हो जाता है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, ये क्यों किया आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, नहीं समझे समझ गए। अब क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कास ए साइन बी फॉर्मूला नंबर 2, क्या होगा साइन ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 45 माइनस साइन ए माइनस बी यानी 30 डिग्री, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ गया 1/√2, इसका वैल्यू 1/2 आ गया। बहुत करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इसको अंदर गुणा कर दीजिएगा, वो सब तो कैलकुलेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको लग गया लग गया, नहीं आया वो देख करके घर पे करेंगे जो हमने होमवर्क के रूप में दिया। अब दो क्वेश्चन और है, छोटा छोटा लिखे हैं वहां पे, अब हम इसको मिटा देते हैं, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, फॉर्मूला का लिस्ट बना करके आप लिख लीजिए, वैसे फॉर्मूला का लिस्ट बना करके दिमाग में लिस्ट बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। दो क्वेश्चन आपके सामने है, कास पाई बाई 4 प्लस ए इंटू कास पाई बाई 4 माइनस ए इक्वल टू हाफ कास 2a, और इधर है एकदम ऐसा ही है वो भी साइन पाई बाई 4 प्लस ए इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस ए इक्वल टू हाफ कास 2a, दोनों का राइट हैंड साइड हाफ कास 2a ही है, लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2 पाई बाई 4 प्लस ए इंटू कास पाई बाई 4 माइनस ए, और कुछ नहीं किया गया हाफ। अब 2 कास ए कास बी का क्या फार्मूला होता है याद हो गया होगा, कास ए प्लस बी, ए ये हो गया, ब्लू पेन कहाँ गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, आप दिमाग में इसको रखेंगे, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ये ए हो गया, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां ए से ए कैंसिल हो गया, यहां पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, क्या हो गया कास पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा पाई बाई 2, यहां कास 2 है इक्वल टू हाफ कास 90 का वैल्यू कितना हो गया 0 मालूम है प्लस कास 2 है इक्वल टू क्या आया कास 2 है अपॉन 2, यही तो राइट हैंड साइड है, यही लाना था, इसको भी ऐसे ही आप कर सकते हैं,
दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, टू साइन पाई बाई फोर प्लस ए इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस ए। अब कुछ चमक रहा होगा तो आप उसको समझ जाइएगा आवाज़ सुन करके। टू साइन ए साइन बी क्या होता है? कास ए माइनस बी। कास ए का मान ये है और बी का मान ये है, ठीक है ना। ए माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पता है ना। और फिर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो प्लस करेंगे पाई बाय फोर प्लस ए अब प्लस पाई बाय फोर माइनस ए। यहाँ पाई बाय फोर से पाई बाय फोर कैंसिल हो गया, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आया हाफ कास टू ए प्लस कास 90। कास 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ भी क्या आ गया हाफ कास टू ए। दोनों राइट हैंड साइड देखिए कितना आसानी से आ गया ना, दोनों क्वेश्चन हमने एक साथ कर दिया। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आपको आएगा कि क्वेश्चन को किस मेथड से करें। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही क्वेश्चन तीन तीन चार चार मेथड से लग सकते हैं। अभी तो आप दो ही फार्मूला जानते हैं, मतलब फार्मूला तो सब बता दिया गया डेरिवेशन, लेकिन एक कास ए प्लस बी साइन ए प्लस बी वाला टेन ए प्लस बी के फार्मूले पे एक्सरसाइज कराए हैं और दूसरा आज करा रहे हैं। तो अगर इसको आप किसी और फार्मूले पर कंसिडर करें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को द सेकेंड मेथड से बता रहे हैं। यहां पे देखिए सेकेंड मेथड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया वही कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। अगर आपके दिमाग में वो फॉर्मूला आ गया कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी क्या होता है, याद है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पिछले वीडियो में बताया गया था। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, ए के जगह पे क्या है पाई बाई फोर, बी के जगह पे क्या है ए। अब कास पाई बाई फोर का मान कितना होता है वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस कास स्क्वायर ए। अब तीरे गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा वन माइनस टू कास स्क्वायर ए अपान टू। अब अच्छा कास स्क्वायर ये साइन कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है ना, ये कास लिखा गया तो ये साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा यही गड़बड़ा रहा था, अब ठीक है। आप लोग परेशान भी हो रहे होंगे कि ये कौन सा सूत्र लगा दिया सर। कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी क्या होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए क्या होता है कास टू ए होता है ना, कास टू ए के तीन सूत्र होते हैं ना, आ गया हो गया। इसको भी इस तरह से आप कर सकते हो सेकेंड मेथड, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है पिछले लेक्चर में बताया गया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, डायरेक्ट लिख दे रहे उसको लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर पाई बाई फोर का मान वन बाई टू, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई फोर का मान होता है वन बाई रूट टू, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए आ गया ना वही चीज हाफ माइन, फिर उसको ऐसे कर देंगे कास टू ए बाई टू। तो दो मेथड से क्वेश्चन हो सकते हैं और दोनों ही आसान है, दोनों ही दो दो तीन तीन लाइन के हैं। अब दिमाग में आपके कौन सा फार्मूला स्ट्राइक कर रहा है ये आपके ऊपर है। कभी कभी होता है कि एक फार्मूला से करेंगे तो छोटा मेथड होगा दूसरे से बड़ा होगा, लेकिन यहां दोनों से ही छोटा हो रहा है, तो आप जिससे करना चाहे कर लेंगे, ठीक ना। इसको कंप्लीट कर दे वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपान टू, तो ये क्या हो जाएगा कास टू ए अपान टू।
अब आपको जो आसान लगे, हालांकि इस समय ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में हम लोग यही फार्मूला लगा रहे हैं, तो इससे भी कर लेंगे और आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। अभी आप एक मेथड और है, इसको कॉस ए प्लस बी के फार्मूले पर ब्रेक कर दीजिए, इसको कॉस ए माइनस बी के फार्मूले ब्रेक कर दीजिए, फिर सब मल्टीप्लाई करिए तो भी आ जाएगा, लेकिन वो बड़ा पड़ेगा। ऐसे ही हमने बता दिया। अब देखिए फिर क्वेश्चन ले रहे हैं, दो क्वेश्चन है, कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाएं। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का भी बेस बन रहा है आपके को। ये क्वेश्चन है लिखे हुए उधर, कास ए का 60 माइनस ए इंटू का 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू कास 3/4। अब यहां तो तीन है, फार्मूले में दो ही रहता है, अब तीन है तो क्या करेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तीन में से एक किसी को छोड़ दीजिए, दो को आप कास ए कास बी के फार्मूले पे कास कर लीजिए। अमूमन सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण एक साथ लिया जाता है, जैसे यहां पे का 60 डिग्री प्लस ए सबसे बड़ा कोण हो गया, एन टू का 60 डिग्री माइनस ए सबसे छोटा कोण हो गया, इनको एक साथ ले लिया, एन टू कास ए को बाद में कर दिया। तो इससे तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको कि इसको इधर उधर क्यों कर दिया, मैथ में इसकी इजाजत होती है, आप टेंथ पढ़ के आए हो, सीधे नहीं ना टेंथ में आ गए, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से इधर 1/2 से डिवाइड, टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, अब इस पे फार्मूला लगा देंगे, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फार्मूला तो याद हो गया होगा अच्छी तरह से, cos A प्लस बी, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी 60 डिग्री प्लस ए, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा ही। ये ब्रैकेट बंद, इनटू कास ए है उसको ऐसे रहने दीजिएगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, कास ए के साथ कुछ नहीं करना, अब जो करना होगा अब करेंगे बाद में। यहां देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, यहां 60 से 60 कैंसिल हो गया, का 60 प्लस 60 कितना होता है 120, का 120 अंश, और यहां प्लस कास 2a इंटू कास ए, ठीक है। और देखिए कास 120 अंश का मान कितना होता है -1/2। अब वो सब आपको थर्ड लेक्चर में बताया गया है, जो नहीं जानता है नया है देखने वाला, शुरू से ही देखे, एक दिन उठा के है ना, एक दिन लेकर के सारे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक, आपको सब समझ में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जिंदगी भर के लिए मजबूत हो जाएगा। कोई भी लड़का है चैलेंज के साथ कह रहे, सारे वीडियो देख लीजिए शुरू से, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप मास्टर बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। देखिए क्या हो जाएगा, लाना क्या हमको कास 3/4, तो क्या करें इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कास ए का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कास ए अपान 2 और कास 2a इंटू कास ए, बोलिए कास ए इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, कास ए का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब बाहर ये 1/2 है अपनी जगह पे, ठीक है। अब क्या करें, फिर से एक बार फार्मूला लगा दीजिए, फिर से फार्मूला लगाएंगे तो फिर 2 की कमी है, लीजिए 2 लिख दिए और 2 डिवाइड आ गया, 2 के लिए कोई रोना धोना थोड़े है, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, कामन ले जाए, कामन लेने आता है ना, तो 1/2 और 1/2 और फिर कामन ले लीजिए, क्या बच गया अंदर, माइनस कास ए प्लस 2 cos 2a इंटू कास ए, फार्मूला लगा दें कि एक बार लिख करके लगाएं, जैसी आप लोग की इजाजत, ये हो जाएगा 1/4
माइनस कास ए, टू कास ए कास बी का क्या फॉर्मूला होता है, कास ए प्लस बी, प्लस कास ए माइनस बी, टू ए में से ए गया ए, कास ए से कास ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया कास थ्री ए बाई फोर, ठीक है। अब ये एकदम ऐसा ही क्वेश्चन एक दूसरा है, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू साइन 3 ए अपॉन 4 लाना है, तो वैसे इसको भी करेंगे। सबसे बड़ा कोण कौन है, साइन 60 डिग्री प्लस ए, सबसे छोटा कौन है, साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ए। ये जरूरी नहीं कि आप एकदम ऐसे ही करो, आप कैसे भी करोगे तो आएगा, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके बाद यहां सीधे लिख रहे हैं, हो सकता है ऊपर चमक रहा हो, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मालूम है ना, कास ए माइनस बी, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लगाया जाए, कास ए माइनस करेंगे, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो ए जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस कास ए प्लस बी, तो 60 डिग्री प्लस ए, अब प्लस करेंगे तो 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ए अपने जगह पे, बस वो नहीं वाला है, ए से ए कैंसिल, यहां 60 से 60 कैंसिल, 60 से 60 ये क्या हो जाएगा कास 2 है, ए प्लस ए 2 होता है, और ये माइनस कास 120 इंटू साइन, हाफ कास 2 ए, कास 120 का मान कितना होता है, कास 120 अंश का, 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस लिख दे, समझ रहे हैं ना, पता नहीं आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो समझ रहे हैं कि नहीं, हम डायरेक्ट कर दिए, रुक जाइए, पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, अब माइनस माइनस प्लस कर दे, इक्वल टू हाफ कास 2 ए प्लस हाफ हो गया इंटू साइन, अब ठीक है, एक लाइन बचाने के चक्कर में फायदा क्या, आप परेशान हो जाए कोई कुछ लोग कि सर वो कहां गया प्लस माइनस, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कास 2 ए प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन ए, ये तो आपको आता ही होगा ना, 2 से गुणा कर दिया हमने क्लियर, और साइन ए से अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ऊपर अंश में गुणा कर दें, 2 कास 2 ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए, साइन ए का इसमें भी गुणा कर दिए और 1 में भी गुणा कर दिए, एक लाइन और बस आ जाएगा क्वेश्चन, अब आके तैयार है, बैठ गया है, बस आपको करना है, 2 का से साइन बी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2, अब तो लिस्ट मिट गया, क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 2 और ए कितना आ जाएगा 3 ए माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि 2 ए में से ए घटेगा तो कितना आ जाएगा साइन ए, प्लस पहले से कितना है साइन, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहां पे हमने फार्मूला लगा दिया, कौन सा फार्मूला, 2 का से साइन बी का, 2 का से साइन बी का क्या फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अब प्लस साइन ए पहले से था कैंसिल हो गया साइन 3 ए बाई 4, तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, कास ए कास 60 माइनस ए कास 60 प्लस ए इक्वल टू कास 3 ए बाई 4 लाना था, और यहां साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू क्या लाना था साइन 3 ए बाई 4, दोनों एकदम एक जैसे थे, दोनों में क्या किया बड़ा कोण पहले छोटा कोण बाद में, कास ए को देखिए बाहर कर दिया, फिर 2 कास ए कास बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना, ये आ गया कास 120 का वैल्यू रख दिया, कास ए से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, चाहे तो आप ऐसे भी 2 3 गुणा करके 2 कर देते तो और आसान होता जैसे कि वहां किए, ये तो आपको बताना नहीं है, फिर 2 कास ए कास बी का एक बार और फॉर्मूला लगा दिए हैं, कास ए से कास ए कैंसिल हो गया आ गया
और ये भी एकदम वैसा ही। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, दोनों को मिला करके है, वो क्या है, वो है टेन ए इंटू टेन 60 डिग्री माइनस ए इंटू टेन 60 डिग्री प्लस ए इसको टू शो करना है टेन थ्री ए टेन थ्री ए। तो बहुत ही आसान है, ये दोनों क्वेश्चन मिला देंगे आप, इसके जगह पे क्या लिख देंगे आप, देखिए साइन ए अपान कास ए, इसके जगह पे क्या लिख देंगे साइन 60 डिग्री माइनस ए अपान कास 60 डिग्री माइनस ए, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे साइन 60 डिग्री प्लस ए अपान का 60 डिग्री प्लस ए। अब अभी अभी इसका वैल्यू आप लोग क्या लाए हैं, साइन ए साइन थ्री अपान फोर, अभी अभी सिद्ध हुआ है ना ये क्वेश्चन में, देखिए उधर अभी मिटा नहीं है, अभी अभी इसको सिद्ध किया गया, क्या इसको दोबारा नहीं करेंगे, या अगर कर चुके हैं दोनों क्वेश्चन तो साइन थ्री ए पूरे के बटा में चार है, कोण में नहीं चार का भाग है, और इसका वैल्यू क्या लाए हम लोग कास थ्री अपन फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया, साइन थ्री अपन कास थ्री को क्या लिख देंगे टेन थ्री। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर केवल यही क्वेश्चन आएगा तो फिर दोनों क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, फिर ऊपर वाला भी करना पड़ेगा नीचे वाला, ऊपर साइन थ्री बाई फोर लाना पड़ेगा नीचे कास थ्री बाई फोर लाना पड़ेगा। अब हम दोबारा नहीं किए, एक बार कर चुके तो दोबारा क्यों करें, आपके सामने ही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फिर और कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पांच एक जैसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, पांचों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप ढंग से समझ लें तो बाकी चार हो जाएंगे, हम दो या तीन कराएंगे और बाकी आपको घर पे करने के लिए देंगे। इन चार पांचों क्वेश्चन में क्या है, चार चार देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि फार्मूला दो के लिए ही है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चारों का पांचों क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। अगर आप ध्यान से देखिए तो पांचों में एक एक ऐसे होंगे कोण जिसका मान हमको पता होगा, जैसे cos 30 डिग्री पहले वाले में मान पता है, दूसरे वाले में sin 60 डिग्री, तीसरे वाले में भी sin 60 डिग्री, चौथे वाले में cos 60 डिग्री पहले वाले और लास्ट वाले में sin 30 डिग्री, जिनका मान पता हो उसको पहले कर दीजिए, उसका मान लिख दीजिए। अब बच गए तीन, चार में से तीन ही बच गए, उसमें से सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण एक साथ लिख दीजिए, बीच वाले को किनारे कर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, मान लीजिए यही लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, एक बटा सोलह लाना याद रखिएगा। तो क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, वन अपान टू। अब क्या बचा, सबसे बड़ा कोण कौन है इसमें, साइन 70 डिग्री, सबसे छोटा कौन है, साइन 10 डिग्री इंटू बीच वाला साइन 50 डिग्री किनारे हो गया, ठीक। अब अगर यहां टू ऊपर आ जाता तो हमारे पास फार्मूला हो जाता टू साइन ए साइन बी का, तो उसके लिए क्या करना है, टू ऊपर लिख दिए तो टू नीचे भी लिख दीजिए, मैथ में इसकी इजाज़त तो है ही, कई बार इसका यूज हम लोग कर चुके हैं। तो टू इंटू टू फोर हो गया। अब टू साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला होता है, कास ए माइनस बी यानी 60 डिग्री, 70 में से 10 गया 60, माइनस कास ए प्लस बी, 70 प्लस 10 80 इंटू साइन 50 डिग्री। बोल दिए कोई दिक्कत हो तो, नहीं है तो भी का 60 डिग्री का वैल्यू पता है ना, वन अपान टू, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वन अपान फोर, वन माइनस टू कास 80 डिग्री अपान टू इंटू साइन 50 डिग्री, ये दो का तिरियक गुणा किए जो आप लोग जानते होंगे। अब साइन 50 डिग्री का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे तो चार दुनिया आठ हो ही जाएगा,
तो 1/8 साइन 50 डिग्री, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन 50 डिग्री माइनस 2 कास 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। वन बाई एट बाहर आने दीजिए, साइन 50 डिग्री भी अपने जगह पे रहेगा। और यहां क्या, फिर से एक फार्मूला, 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए साइन बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी यानी 130 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 30 डिग्री, ठीक ना। 80 प्लस साइन ए प्लस बी, 80 प्लस 50 50 कितना होता है 130, और 80 में से 50 क्या 30 डिग्री, ठीक। 1/8 साइन 50 डिग्री माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये साइन 130 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन 30 डिग्री, 1/8 साइन 50 डिग्री, 130 अंश को 180 माइनस 50 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। अब प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, यही हमने किया है। 130 अंश को 180 माइनस 50 कर दिया, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू होता है 130 डिग्री। ऐसा क्यों किए हैं अभी इसको समझ में आ जाएगा। साइन 50 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेक्चर 3 में सब आपको बताया गया है। अब जो नहीं देखेंगे, वीडियो देखते ही नहीं है, कहते हैं ये हमको आ रहा है, तो दिक्कत उनको होगी। अगर सारे वीडियो देख लिए तो हमने पहले ही कह दिया है, एकदम गारंटी दे दिया है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आप आसानी से लगा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप वीडियो ध्यान से पूरा देख रहे हैं या टिकटॉक और फेसबुक में ही बिजी हैं। हो गया क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या किया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने रख दिया 1/2, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण एक साथ कर दिया, बीच वाले को किनारे कर दिया, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाए। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, ठीक है। फिर कास 8 अंश का मान 1/2 रख दिया, तिर्यक गुणा किया तो 1-2 कास 80/2 हो गया, ये तो अपने जगह पे ही है। फिर 4 × 2 = 8 और कास साइन 50 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं ना। फिर साइन 50 इसको फिर 2 कास ए साइन बी का फार्मूला लगा दिए हैं, क्या साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 130 डिग्री को क्या लिख दिए हैं 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कट करके साइन 50 डिग्री से 50 डिग्री कैंसिल हो गया और 1/8 गुणते 1/2 क्या हो गया 1/16। ढंग से एक क्वेश्चन भी अगर आप समझ लिए हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अब जो कहिए लगाने के लिए, अब हम तीसरा लगा रहे हैं और उसके बाद पहला लगा देंगे, चौथा आपको खुद से लगाना है, तीसरा लगा रहे हैं उसके बाद पहला लगाएंगे। क्या है तीसरा, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके सामने है, अब इसको जल्दी से लगाया जा सकता है। किसका कोण, किसका मान पता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 3/2, सबसे बड़ा कोण कौन है इसमें साइन 70 डिग्री, सबसे छोटा कौन है 10 डिग्री, बीच वाला कौन हो गया साइन 50 डिग्री, दो से ऊपर नीचे गुणा कर दिया क्या हो गया 3/4। 2 साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला हुआ, ये तो एकदम सेम है, ऐसा ही था वो भी, 2 साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो एकदम सेम क्वेश्चन ही है, इसके बाद बिल्कुल सेम है, इसको नहीं करते क्योंकि √3/2 और उसके बाद इसका वैल्यू कितना आया था 1/8 आया था, ठीक
ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन एकदम सेम हो जाएगा, इसको करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि यही कर दे रहे, चौथा ही कर दे रहे। क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, सबसे बड़ा कोण cos 80 अंश, सबसे छोटा cos 20 अंश, 20 वाला cos 40, ये तीसरा और पांचवा तो बिल्कुल सेम हो गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 हो गया। 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100, ए माइनस बी यानी 60 अंश इंटू कास 40 डिग्री, ठीक है ना, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, अब आपके ऊपर है, इसको आसानी से समझ रहे होंगे, कास 100 डिग्री, कास 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/4, कास 100 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कास 100 डिग्री प्लस 1/2, अब 4 × 2 = 8 हो जाएगा, बहुत ही आसान होता है, और साथ साथ cos 40 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो 1/8 क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 100 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, सारे क्वेश्चन एक जैसे है। फिर 2 cos a cos b का फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, 2 cos a cos b का फार्मूला याद है ना, cos a प्लस बी यानी cos 140 डिग्री प्लस cos a माइनस बी यानी कि 60 डिग्री प्लस cos 40 अंश, पहले से है 1/8, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 40, बार बार यही होगा लास्ट में, 140 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 40 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2, फिर cos 40 डिग्री अपने जगह पे आ गया, ये क्या हो गया cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/16, कहीं मुश्किल है क्या इसमें, अब आप जानिए, मुश्किल तो हमको तो नहीं दिख रहा कि कहीं मुश्किल है, और आपको भी कहीं मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री इक्वल टू 3/16, किसका मान पता है हमको cos 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले, cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री, कुछ बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होते हैं लेकिन अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका मान पता है, तरीका पता हो गया तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, cos की संस्करण कितना होता है √3/2, सबसे बड़ा कोण cos 70 डिग्री, सबसे छोटा cos 10 डिग्री, बीच वाला cos 50 डिग्री किनारे हो गया, फिर क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो √3/4 हो गया। 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इंटू cos 50 डिग्री, और आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में लगभग cos 60 या cos 120 आ जा रहा है, उसका मान 1/2 होता है और cos 120 रहेगा तो -1/2, सारे क्वेश्चन एकदम जैसे है ना, फिर 2 से धीरे गुणा कर दीजिए, हमने पहले क्या ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार फार्मूला समझ गए और घर पे लगाने लगे सीरियस हो जाएंगे अपने करियर के प्रति तो फिर बहुत ही आसान है। अब क्या हो गया, ठीक है ना, √3/8 कितना हो जाएगा cos 50 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos 80 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos 50 डिग्री, कितना आसान है आप देखते जाएं √3/8, ठीक है ना, cos 50 डिग्री दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ किए नहीं है, यहां cos 60 डिग्री का वैल्यू रखे हैं। अब 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी कि cos 130 अंश प्लस
का सीजन। ठीक है ना, अब आगे आगे स्वर में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए। ए प्लस बी 80 प्लस 50 130, 80 में से 50 गया 30। ठीक है ना, ये तो पता है ना, बस इसको क्या लिखते हैं, 130 को क्या लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू लिख देते हैं क्या होता है, वो तो पता है ना, जिसका मान मालूम है रख करके उसको खत्म किया जाए, उसको क्यों लेके ढोए हम लोग, मान नहीं पता खत्म ना। रूट 3/8 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। लेक्चर नंबर 3 में जाकर के देख लीजिए, बार बार हम ये कह रहे हैं, यानी माइनस cos 50 डिग्री। लेक्चर 3 में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को देखिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस उसी में सब छुपा हुआ है। cos 50 डिग्री से cos 50 डिग्री कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3/16। ये तो बताइए ना, हो गया क्वेश्चन, 3 मिनट 3.5 मिनट लगा है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो हमने मिटा दिया, और ऐसे कितने भी क्वेश्चन आए आप लगा सकते हैं। तो ये एक स्पेशल फॉर्मूले स्पेशल पे एक्सरसाइज था, एक विशेष फॉर्मूले पे जो लेक्चर 5 में उसको डिराइव किया गया था। नेक्स्ट वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री के होंगे उसमें साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी पर आधारित एक एक्सरसाइज देकर के आपको समझाएंगे। हर फार्मूला जो डिराइव किया गया है उस पर आधारित आपको एक एक्सरसाइज देकर के समझाया जाएगा, फिर लास्ट में साइन 2a कॉस 2a पर भी एक समझाया जाएगा। एक फार्मूला और रह गया है, बाकी सब फार्मूला को डेरिवेशन हमने कर दिया है, साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a का, उसको भी लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का, यानी 2-3 लेक्चर और ट्रिग्नोमेट्री के या 2 आने चाहिए आपको देंगे, और उसके बाद आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से फर्स्ट ईयर में तैयार हो जाएगा। ठीक ना, एक बढ़िया से बेस मिल जाएगा। तो आप ध्यान से इसको देखिए, घर पे इसको प्रैक्टिस करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिए। ठीक है, थैंक यू।